नरकटियागंज नगर परिषद क्षेत्र स्थित एक घर में रंगे हाथ धराए चोर की लोगों ने जमकर पिटाई कर दी, जिससे उसकी मौत हो गई है। हालांकि घर के लोग चोर की पिटाई से मौत की बात से इनकार कर रहे हैं। उनका कहना है कि भागने के दौरान चोर छत से गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना क्षेत्र के वार्ड संख्या 13 अंतर्गत प्रकाश नगर मोहल्ले की है। बताया जा रहा है कि दवा व्यवसायी नंदू सिंह के घर में सोमवार की रात 11:30 बजे तीन चोर पीछे के रास्ते से घुस गए। चोर कुछ सामान घर से निकाल रहे थे। इसी बीच परिवार के सदस्यों की नींद चोरों की सुगबुगाहट से खुल गई। इसके बाद उन लोगों ने चोरों को पकड़ने का प्रयास किया। इस क्रम में दो चोर भागने में सफल रहे, जबकि एक को घर वालों ने पकड़ लिया गया। लोगों का कहना है कि चोरी की घटना से आक्रोशित परिवार के कुछ सदस्यों ने धराए चोर की बेरहमी से पिटाई कर दी, जिससे उसकी हालत खराब हो गई। सूचना पर पुलिस पहुंची और धराए विजय कुमार को अनुमंडल अस्पताल ले गई, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। चर्चा है कि मृत विजय स्मैक भी लेता था। इसके पहले भी चोरी की घटना में वह जेल जा चुका है। प्रशिक्षु डीएसपी नवनीत कुमार ने बताया कि गृहस्वामी द्वारा चोर के भागने के दौरान छत से गिरने के कारण मौत की बात बताई गई है। मामले में गंभीरता से छानबीन की जा रही है। शव को अंत्यपरीक्षण के लिए गवर्नमेंट मेडिकल अस्पताल बेतिया भेज दिया गया है। मुहार के मुहा के नाली में बीग देले मालो पुलिस के लगे फोन कैले मालो पुलिस आज नाली में से उठा के दे गइल हमरा बाप मानतनी चोरी कैले रहे तो मारपीट के दीवान ताना में दे दिलो जरे मेरे बाबू का तलवा फोन के घर चार चोर घुसे थे, चार में तीन भाग गए और एक जो है ऊपर में भागा। ऊपर लड़के ने पकड़ा तो लड़के का सिर फोड़ दिया और अपने ऊपर से कूदा नीचे गड्ढे में गिर कर स्मैकर था, गिर के गड्ढे में मर गया। मामला ये है कि मुझे सुनने में आया कि नंद किशोर जी के घर में मेरा लड़का घुसा था और वो लोग घरे में मार कर मुहा दिए हैं। मुहा देने के बाद में हमको मालूम हुआ है तो हम सरकारी हॉस्पिटल में हैं। ये नंद किशोर जी का पूरे परिवार इसमें जिम्मेदार है, इसलिए कि वही लोग मारे हैं। अब हम प्रशासन और मीडिया को आप प्रार्थना करते हैं कि मुझे इंसाफ दिलाई। क्यों मारा गया है अभी तो हम भी नहीं जानते कि क्यों मारा गया है।